सब्सक्राइब करें श्रुति अर्जुनानंद चैनल को और बेल बटन पे क्लिक करें लेटेस्ट ब्यूटी एंड मेकअप वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बाबा, क्या आने वाला है? हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम मिलके अनाया के हैप्पी बर्थडे टू यू की तैयारी करेंगे ना। चाय तो दो, मुझे चाय पीनी है। आप पूजा दीदी आप भी बैठ जाओ। बुलाओ आप प्यार से बुलाओ, बोलो पूजा दीदी प्लीज आ जाओ। अच्छा एनो, पूजा दीदी को पहले आप वो सुला दो आलू कचालू, फिर आ जाएंगे। बैंगन ने लात मारी, हाय बम्मा ने प्यार किया। हाँ चलो पी लो। कैसे कैसे पीते हैं चाय, कैसे पीते हैं चाय? है ना, आप मम्मा को चाय पीना सिखा दो जरा। तो आज हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, सारी रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने हैं और सारी अरेंजमेंट्स देखे हैं। कुछ कुछ लास्ट मिनट थिंग्स भी हैं, जो उसकी ड्रेस बनी है उसमें थोड़े से लिटिल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो वो भी मैं आज करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम गिफ्ट पैक करने से। I got this big balloon for Anna for her birthday party. It's a Hello Kitty theme birthday party. So I bought this from Amazon और Prime shipping से दो दिन में घर में आ गया, which is so cool. For return gift, I got these envelopes from Godrej. They are so good because you can actually turn this back into a tree. How cool is that? I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Now you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I know you. Thali mein Anaya ko de pyaali mein. So we are going to play some games at the venue, and for that we don't know who is going to win the game. So that's why I am labeling. Like some gifts are for mothers, so I labeled them lady gift. Some gifts are only for girls and some are unisex gifts. So this is how I'm going to label them. They are specially for the games which we are going to play at the event. And one lucky mother is going to get one of my favorite Revlon Color Stay Foundation. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. क्या कर दिया इन्होंने? फिनिश। ओके। अनाया किक तो बहुत सोना सिपारी मम्मी की। अनाया सो गई है और मुझे मिली है 2 घंटे की छुट्टी। तो अब मैं जल्दी से जो भी गिफ्ट पैक किए हैं उनको रखवा दूंगी। सारी घर आप देख सकते हो, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा घूम फिर के, कि इतना सुंदर हालत हो रखी है घर की जो मेरी प्यारी सी बेटी ने की है। तो इसको हम सबसे पहले फटाफट जो है सफाई करेंगे और उसके बाद आगे प्लानिंग करेंगे कि बर्थडे में और क्या क्या करना है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट टाइम भी मैंने अनाया के लिए जो है एक ड्रेस बनाई थी उसके बर्थडे पर, इस बार भी मैंने ऐसा कुछ किया है। इसका वीडियो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे तो हम चाहें तो मार्केट से क्या नहीं खरीद सकते हैं, ड्रेस वगैरह जो चाहे आप चाहो। आजकल तो लेटेस्ट फैशन में हर पैटर्न में आपको ड्रेस मिल जाएगी, हर कलर में। मैंने भी खरीदी है उसके लिए उसके बर्थडे ड्रेस, बट अपने हाथ से जब मैं उसके लिए कुछ ड्रेस बनाती हूँ तो मेरी फीलिंग्स कुछ और होती हैं उसके लिए। मैं भले ही चाहे कितनी ही महंगी ड्रेस उसके लिए क्यों ना खरीद सकती हूँ, बट मेरे को लगता है कि मेरी तरफ से एक असली गिफ्ट वो होता है कि मैंने अपने हाथ से उसके लिए कुछ बनाया है। मैं आई हूँ बाहर, थोड़ा सा काम है, कुछ कुछ सामान लेना है प्लस कुछ कपड़े उठाने थे दर्जी से, तो वो काम करने के लिए मैं आई हुई हूँ। और मौसम तो अमेजिंग हो रखा है, एकदम इंस्टाग्राम पिक्चर लायक मौसम हो रखा है।
बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई बहुत ज़्यादा खास आउटफिट नहीं पहना है कि जिसकी मैं पिक्चर्स खींच सकूँ, ना ही मैंने कुछ मेकअप किया हुआ है। तो चलो बस मार्केट चलते हैं, पास में लोकल मार्केट ही जा रही हूँ, मुझे बहुत कुछ खास है और वहाँ पे मिल जाएगा आइटम, तो मैंने सोचा चलो वहीं से। स्लिप देख ली ना आपने, तीन दिन तक कोई गाना बजाते नहीं है, बस ये बकवास करते रहते हैं। अरे बकवास सा, अच्छा मैं गाना गाऊंगी, हमारे लिए ना देसी गाना ही अच्छा है ना। वो तेनु सुड सुड करता, वो तेनु सुड सुड करता, वो तेनु सुड सुड करता, नी तू लगती पंजाब, नी लगती पटोला, लगती चांदनी चौक विच के सिंधु पाइया। चलो यार बंद करो, बहुत पका दिया आपने। छोटे छुपे भी जा गया, ये आपकी मिनी है एनु, आपकी मिनी माउस की नोज तो बहुत अच्छी है। एनु पता क्या बना है? ना बना है। अंडा? नहीं। तो क्या खाओगी बताओ? पराठा खाएगी? नहीं। अंडा खाएगी? नहीं खाना। केला? नहीं। बनाना? नहीं। मैंगो? नहीं। लीची? नहीं। अभी ऐसे ये लड़ाई चलेगी और लड़ाई करते करते एक दो घंटा लगेंगे उनको खाना खिला दूंगा। बाबू क्या हुआ? अंडा खाओगी? You know you make me feel so alive, can't stop thinking about you day and night, love it when you kiss me, love it when we touch, every time I'm down here you make me smile. Ding dang 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 kar diya. दर्द हो रही है ना? हाँ। आप मम्मा को कितना प्यार करती हो? चलेंगे। पास वाली मार्केट से मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी जिसको मुझे रैप करना है और थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, तो बस अब एना ने खेल लिया है, हम घर जाके खाना खाएंगे और बाकी का काम कल करेंगे। चल बस आज का दिन बचा है, जितनी भी प्रिपरेशन करनी है उसके लिए, और काफ़ी सारे मेहमान भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी हमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। मेरी बैक थोड़ी सी जो है वो कुछ दिनों पहले हर्ट हो गई थी, तो अभी भी मुझे बहुत पेन है बैक में, दवाई खा रही हूँ, बाकी सब कुछ लोशंस भी लगा रही हूँ, बट स्टिल मेरे को पेन काफ़ी है। इस वजह से मैं उसको नहा नहीं पाती हूँ, बिकॉज़ बहुत दर्द होता है मुझे झुकने में और सब चीज़ों में, तो दैट्स व्हाई अर्जुन मेरी हेल्प करता है उसके लिए और तैयार मैं कर देती हूँ अनु के लिए। तो कुछ कुछ काम हमने बांटा रखा है, जिसमें ज़्यादा मतलब बैग झुकनी होती है वो अलग काम अर्जुन कर देता है और बाकी के लेफ्ट ओवर काम मैं करती हूँ। विच वन इज ABCD? शो मी दिस वन। ओके केयरफुल। बंद कर दिया। एक बेहद स्ट्रेंज कोरियर आया है और अनफॉर्चुनेटली थिंग इज कि वो टूटा हुआ भी है, तो इट्स अम्ब्रेला आई थिंक। मुझे अम्ब्रेला कौन भेजेगा? हो सकता है कोई सोच रहा हो कि श्रुति को बारिश में भीगने नहीं दूंगा मैं, या दूंगी मैं से अम्ब्रेला, बट अनफॉर्चुनेटली एज ए सैड इसकी टूटी टूटी हो गई है अम्ब्रेला की, टूट गया है वो बुरी तरीके से। तो यही है हमारा स्ट्रेन सा अम्ब्रेला जो कि टूटा हुआ है काफ़ी जगहों से, और इसका ये भी हैंडल भी टूट गया है, बट एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा अम्ब्रेला होता अगर ये टूटता नहीं, बिकॉज काफ़ी स्टर्डी सा लग रहा है, बट मुझे लगता है कि जो कोरियर सर्विस थी उन्होंने बेचारों ने इसकी बैंड बजा दी है। देखते हैं कहाँ से आया है ये अम्ब्रेला। तो ये अम्ब्रेला आया है आई थिंक सो बायोडर्मा इंडिया की तरफ से मेरे लिए। So alive.
फर्स्ट क्राई से खोल कर आया है। ये लगता है मुझे वेट वाइप्स हैं जो मैंने अपने लिए मंगाई थी, क्योंकि फर्स्ट क्राई पे चल रही थी सेल, और ये वाली वेट वाइप्स काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव थी। इतनी भारी क्यों हुई, भारी भरकम वेट वाइप्स। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, कल जब मैं मार्केट गई थी तब मैं कुछ और गिफ्ट्स भी लेके आई थी। एक्चुअली वहाँ पे बर्थडे वाले दिन गेम्स भी खेलेंगे हम लोग, तो जो लोग बच्चे गेम्स जीतेंगे उनको गिफ्ट देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैं कुछ पेंसिल बॉक्स लेके आई हूँ, यहाँ एक मैं मिक्की वाला पेंसिल बॉक्स लेके आई हूँ, और एक मैं ये मिलियंस वाला लाई हूँ, और एक मैं ये हेलो किटी वाला लाई हूँ। तो बस अब इनको मैं पैक करने जा रही हूँ और मेरा काम फिर कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे पार्लर जाना और रह गया है, और फिर मैं अपनी लिस्ट देख लूँगी कि उसमें से कोई काम बचा है कि नहीं बचा है। अर्जुन जो है उसका काम रह गया है कि वो जाके वहाँ पे ना वेन्यू पे गया हुआ है बलून डेकोरेशन करवाने और ये सब काम करवाने के लिए, और वो अपने साइड का जो उसने काम लिया हुआ था वो कर रहा है, और मैं अपने साइड का सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक दो रह गए हैं तो वो मैं देखती हूँ कौन कौन से रह गए, और वो भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मुझे पार्लर जाना है। तो चलिए आप चल रही हूँ मैं पार्लर, और कल मिलते हैं अनाया के बर्थडे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।